गाइस, फाइनली हमने बस का पता कर लिया। 242 नंबर की बस है। इकड़े ऐसे 5 रुपीस की टिकट यहाँ से आई है बस की। मुझे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा कि अगर आप लोगों को भी मॉडल कास्टिंग वगैरह ये एक्टिंग लाइन में आना है तो इस तरीके से इसके वेज होते हैं। सबसे पहले पोर्टफोलियो, मतलब इंडस्ट्री में काफी चीजें हैं। मेरा एक्सपीरियंस 2013-14 में मैंने 2 साल कंटिन्यू ऑडिशन दिया था। अब जो मेरा 2024 का मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। मॉडलिंग में पिक्चर्स के ही बेस पे डायरेक्ट सिलेक्शन। यस आई नो। ये देखिए कार्तिक आर्यन का, मतलब एक वड़ा पाव अगर आप मुंबई का खाओ तो पेट भर जाता है। अंकल पूरा साथ दे रहे हैं मेरा वीडियो में, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। ये है गाइस टी सीरीज का बिजनेस पार्क। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आफिन शेख एंड आई एम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। सो एज यू कैन सी, इस वक्त मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में और मैं जा रही हूँ अंधेरी, और क्यों जा रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एंड आप लोगों को पूरा जो है आज आउटडोर मुंबई का अंधेरी जरूर दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैं भी देखूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद अंधेरी जा रही हूँ। मैं बहुत टाइम पहले जाती थी, बहुत साल पहले जब मैं ऑडिशन वगैरह और सीरियल्स के शूट वगैरह पे जाती थी तब मैं जाती थी, लेकिन आज जब मैं जा रही हूँ तो काफ़ी साल बाद ही जा रही हूँ मैं। सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज का मेरा। और एक बात मैं आप लोगों को बता ही दूँ यहीं पर कि मैं जा रही हूँ अंधेरी में प्रिंट शूट के लिए, लुक टेस्ट के लिए, तो उसी लिए मैं आप लोगों को वहाँ का एक्सपीरियंस। ओके, दिस इज वेरी कॉमन। ओके गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से। फिलहाल देखो ट्रेन में अंकल ये बजाते हुए आ रहे हैं, देख नहीं सकते हैं। एक्चुअली आज तो दिवाली का हॉलीडे सबको पड़ा है ना, उस वजह से ये ट्रेन कितनी खाली हो रही है। आराम से आने मिला आज, बहुत ही आराम से मुंबई लोकल में पहली बार मैं जा रही हूँ, वरना इतने क्राउड में हम गए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। नेक्स्ट स्टेशन माहिर, अगला स्टेशन माहिर, थोड़े स्टेशन माहिर। गाइस यहाँ पे टिकट चेक करने के लिए अंदर आई है लेडी, हमने तो हमारी दिखा दी टिकट क्योंकि हमने ले रखी है, अब ऐसे भी विदाउट टिकट के ट्रैवल ना ही करो। ओके गाइस, तो अभी मैं हूँ यहाँ अंधेरी स्टेशन पे, मैं उतर गई हूँ और यहाँ से एग्जिट ले रही हूँ बस मैं। एंड आज हॉलीडे है तो पता नहीं शेयरिंग ऑटो चालू होगी या नहीं, तो मीटर वाली क्या है सब पता करते हैं, बस बस है भी कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस में नहीं जाना है, हमें कम से कम बजट में ट्रैवल करना है मुंबई में। यहाँ गाइस अंधेरी स्टेशन हमने एग्जिट ले लिया है, और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिख रहा है बस स्टॉप, एंड यहाँ पे ऑटो स्टैंड भी है, तो देखते हैं बस का भी पता करते हैं और ये भी। ओके गाइस, फाइनली हमने बस का पता कर लिया, 242 नंबर की बस है। वो बोले कि यहाँ पर वाले स्टॉप पे नहीं है, यहाँ से हम वो साइड पीछे साइड जा सकते हैं, तो बोले दोनों तरफ से जा सकते हो आप। यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास, हमने जो एग्जिट लिया यहाँ पर छोटे मोटे से स्टॉल्स भी लगे हैं, मार्केट भी, ज़्यादा नहीं मार्केट नहीं है, स्टॉल्स है। पीछे ही था गाइस ये देखो बस स्टॉप, 242 नंबर जाते जाते हैं, ये वाली नहीं है इसके सामने है बताया गया है, इकड़े है गाइस इकड़े। बाप रे अब यहाँ पर जा रहे हैं हम, ये वाली लाइन है। इतना बड़ा बस स्टॉप है ये, मतलब इतना बड़ा बस स्टैंड है, सॉरी कि मतलब पूरा गोल गोल है, तो यहाँ वाला फाइनली मिल गया है। चलो इस वाली क्यू में हम जाते हैं एंड देन आप लोगों को बताते आगे। ठीक, सो फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं और अभी टिकट लेते हैं, चेंज है कि नहीं देखना पड़ेगा, 50 रुपीज़ है, देखते हैं कितने की टिकट आती है। ओके गाइस, तो सिर्फ 5 रुपीज़ की टिकट यहाँ से आई है बस की, मैं जा रही हूँ खुशी खुशी क्योंकि आज हॉलीडे है तो बहुत ज़्यादा खाली खाली है, इसीलिए हम वहाँ जाके देखते हैं कि इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे देना है, विजिट कर लुक टेस्ट वगैरह कैसे होने वाला है वो पता करते हैं वहाँ जाके, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अभी जाते जाते गाइस मुझे दिख रही है यहाँ पे मेट्रो, मेट्रो लाइन भी है यहाँ, ये देखिए गाइस अभी 6 मिनट बता रहा है यहाँ से 1.7 किलोमीटर, क्योंकि सिटी मॉल उतरेगा तो उसके ऑपोजिट में ही है। ओके गाइस, सो हम है अभी सिटी मॉल के बिल्कुल सामने, और ये मॉन्जिनिस का बस स्टॉप है, तो मैंने पहली बार ऐसा बस स्टॉप देखा जो मॉन्जिनिस नाम का है, एंड यहाँ पर बस उतार चुकी है, और ये रहा पीछे सिटी मॉल, इसके ऑपोजिट में ही वो रॉयल कुछ तो नाम है इसका, वहाँ जा रहे हैं हम। ठीक है चलिए चलते हैं। वहाँ जाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले मॉल में चली जाऊँ अंदर, थोड़ा सा आप लोगों को मॉल भी दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना है, तो चलिए फिर मॉल की तरफ चलते हैं। गाइस ये मॉल मुझे थोड़ा सा पुराना लग रहा है, यहाँ पर एक्चुअली अलग अलग जो है छोटी छोटी एजेंसीज नज़र आ रही हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ें, तो मैं भी जा रही हूँ वॉशरूम की तरफ। माय गॉड गाइस ये वॉशरूम तो काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा वॉशरूम है, लेकिन मॉल मुझे अभी मॉल समझा नहीं वो, क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा था, पर अभी शायद फर्स्ट फ्लोर पर मैंने देखा। ऐसे मैंने अभी सिर्फ हेयर ओपन किया एंड मेरा यही लुक है, मैंने नीचे ऐसे ये पहना है,
ये है गाइज मेरा पूरा फुल आउटफिट और बस अभी थोड़ा सा ही पेट है मेरा, अभी मैं जल्द से जल्द और वेट जो है कम कर लूँगी, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। डाइट पे तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, तो बस अभी मैंने उनसे बात की, कॉल आया है तो अभी मैं निकलती हूँ, जल्दी से जाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैंने टचअप भी कर लिया है और मैं भी थोड़ा सा माइक को हटा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे टोके, तो इसीलिए मैं अब हिडन ही शूट करूँगी। ओके गाइस, सो इतना ही मॉल दिख रहा है वैसे तो मुझे, बाकी तो ऊपर हमें कुछ अभी पता नहीं है, लेकिन अब जाना है तो इसीलिए मैं एग्जिट ही ले रही हूँ। सो मैंने वहाँ से क्रॉस करके स्ट्रेट ले लिया है एंड देन अभी मैं वही फाइंड कर रही हूँ। ये देखिए कार्तिक आर्यन का बड़ा सा पोस्टर गाइज, अभी मेरे पीछे मैंने ध्यान दिया, शेमारू का बड़ा प्रोडक्शन था, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग और बहुत फेमस है। पहला लेफ्ट है और फिर पहला राइट, ये है गाइज टी सीरीज का बिजनेस पार्क। गाइज सीरियसली मुझे पता नहीं था, मैं जहाँ आ रही हूँ उसके आसपास ये टी सीरीज बिजनेस पार्क, शेमारू का ये सब है। कोई नहीं, हम यहाँ से निकलने के बाद ना पता करेंगे ऑडिशन अपडेट्स और फिर आप लोगों को भी बताऊंगी कि यहाँ पे देखो पूछने पर कैसे बताते हैं, कैसा बिहेवियर रहता है। सामने ये गाइस यहाँ आए हैं हम। सो गाइस ये सामने था, वहाँ पर एंट्री नहीं हुई, यहाँ हो रही है। अभी मैंने हिडन किया हुआ है कैमरा गाइस, ये भी सेम वैसी ही दिख रही है बिल्डिंग, ये वाला है, करने मिल गया शूट इसलिए कर लिया। फर्स्ट एंट्री तो मैंने कर ली है, अब यहाँ पर है लिफ्ट तो जाती हूँ लिफ्ट में और फिर अभी 607 मुझे जाना है ऊपर 6th फ्लोर पे। मैंने मुझे पोर्टफोलियो का बस उतना आइडिया है जो मैंने 2013 में करवाया था फर्स्ट टाइम एंड उस टाइम पे मेरी एज तो बहुत ही कम थी, सो न्यू पोर्टफोलियो तो नहीं है। एंड व्हाट इज द चार्जेस? इसका मिनिमम 15,000 होता है। ओके ओके, 15,000 प्लस जीएसटी, बट उसमें हेयर मेकअप एवरीथिंग दे दूं। आपको सिर्फ कपड़े लेके आने होते हैं, कपड़े मैं सिलेक्ट करूंगी आपके लिए थ्रू व्हाट्सएप। ओके, सेकंडली ये जो टीम है ना उनका खुद का स्टूडियो में 10th फ्लोर है, सो दे आर द पीपल हु शूट फॉर मी फॉर माई ऑल ब्रांड्स, सो व्हेनेवर यू आर सिलेक्टेड फॉर एनी ऑफ माई ब्रांड्स आपको उनके स्टूडियो में जाना होता है फॉर ऑल माई ब्रांड शूट, सो इवन यू बिकम वेरी फेमिलियर विद द सेम टीम एज एन यू नो। सेकेंडली वो लोग भी ब्रांड्स को भी पुश करते हैं आपकी प्रोफाइल, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन समथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। यस, ये सब एंड कैसे ना मेनली आपका प्रोफाइल हमारे वेबसाइट पे मार्केट होता है। यस, मिनिमम 7 इयर्स। आई अंडरस्टैंड। ओके, सो मुझे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा? कैसे है ना, तो अभी लाइक इनकी अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ती है फॉर द प्रोफाइल, सो फॉर दैट आई विल बोल दे आर कमिंग टुमारो एंड आई विल इसमें आप मुझे कपड़े सब व्हाट्सएप करना आज पूरे दिन में, जैसे ही कल आप शूट करने आएंगे उसके बाद का प्रोसेस कैसे होगा, विद इन 25-30 डेज आपको एक पूरा प्रोफाइल मिल जाता है, सो इन 15,003 लुक्स यू गेट अप्रॉक्स 100-150 रॉ पिक्चर्स एंड 15 एडिटेड पिक्चर्स। ओके, ठीक है, तो ये सब आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे रॉ एज वेल एज एडिटेड शूट के 25-30 डेज के बाद। उसके पहले मैंने मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स अभी फॉर नाउ बिफोर क्रिसमस आई हैव 9 रिक्वायरमेंट्स ऑन गोइंग, सो वंस लाइक यू नो अभी एग्जांपल कोई रिक्वायरमेंट मुझे अभी है जहाँ फिट हो रहे हो, आई वोंट वेट फॉर 25-30 डेज, मैं पिक्चर्स मंगा लूँगी अपने हिसाब से, मैं वो फॉरवर्ड कर दूँगी फैंस को। ओके, सो व्हेनेवर यू आर सिलेक्टेड माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू, दे विल ब्रीफ यू अबाउट द प्रोजेक्ट, पेमेंट स्ट्रक्चर कितना है, कितने गारमेंट्स है, कौन सी ब्रांड है, इनके ही स्टूडियो में आपको वापस आना है फॉर द ब्रांड शूट, दे विल पे यू एंड वी आर डन।
एंड वंस यू रिसीव द प्रोफाइल आई विल स्टार्ट सेंडिंग यू डेली ऑडिशन अपडेट्स. वो कैसे एक्टिंग की भी होती है मॉडलिंग की भी होती है. जो प्रोफाइल है ना वो दोनों. एक्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है ना, प्रोफाइल के बेस आप शॉर्ट लिस्ट होते हो एंड देन आपको ऑडिशन के बाद सिलेक्शन होता है. वो एक टैलेंट है राइट. मॉडलिंग में पिक्चर्स के ही बेस पर डायरेक्ट सिलेक्शन. यस आई नो. सो द ब्रांड्स दे आर नॉट कंसर्न कि आप रियल लाइफ में कितने भी अच्छे क्यों ना दिखते हो, ऑन कैमरा आप कैसे दिख रहे हो ना. एग्जैक्टली दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वेरी इम्पॉर्टेंट. सो फॉर नाउ आई हैव 9 रिक्वायरमेंट्स. वंस आई रिसीव योर प्रोफाइल आई विल सी वेयर ऑल आई कैन फिट यू इन. एक्सक्यूज मी सर. एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ऑडिशन का कोई अपडेट्स है? नहीं ना. ओके अच्छा थैंक यू. यहाँ पे एक्चुअली ये है टी सीरीज का, ये देखो ये जो लिखा है ना यही है. ओके गाइस, तो मैं वहाँ से अभी एग्जिट ले ली हूँ और मैं जैसे आई थी वैसे ही जा रही हूँ. यहाँ पर है कल्याण ज्वेलर्स का, पूरा डेकोरेट हुआ हुआ है दिवाली का जो चल रहा है अभी. आज है 2 नवंबर. मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ थोड़ा आगे जा कर के. देखो मैं प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है. 2 वीडियो और बनाने हैं मुझे मिनी, तो उसके लिए भी मैं अभी वहीं बनाने के लिए जा रही हूँ ताकि मैं फूड का भी शॉर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. ये देखिए गाइस, सिंघम का, भूलभुलैया का पूरा पोस्टर लगा है, कार्तिक आर्यन और ये अजय देवगन का. सिटी मॉल सामने है. मेरे को लग रहा है ये प्रॉपर मॉल नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा ये मॉल मुझे. लेट इट बी. ओके गाइस, तो अभी मैं गोरेगांव जाने का सोची हूँ, तो मैं अभी हूँ अंधेरी के ये बस स्टॉप पे जो मॉन्गिनीस पे मैं उतरी थी यहीं पर बैठी हूँ. क्योंकि एक अंकल से भी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से गोरेगांव के लिए सारी बसें जाती है, तो बस अभी जो भी बस आएगी उसमें हम पूछ कर ही बैठेंगे एंड देन आप लोगों को बताती हूँ कि गोरेगांव क्यों जा रही हूँ. वहाँ पर भी एक प्रोडक्शन है, वहाँ से भी पता करके ऑडिशन अपडेट्स का फिर मैं आप लोगों को आगे का एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ अभी जो क्या हुआ. हे गाइस, तो मैं हूँ अभी बस में और मैंने वहाँ से गोरेगांव की बस ले ली है, 10 रुपये टिकट सिर्फ. मतलब इतना इजी हो रहा है ट्रैवल करना. अब बस मुझे शॉर्ट्स बनाना है, बड़ा पाव का, पानी पूरी का भी वीडियो बनाना है, तभी मैं खा पाऊंगी. ओके गाइस, तो अभी मैं गोरेगांव रेलवे स्टेशन के पास हूँ. मैं बस से यहाँ पर उतरी हूँ और बस का ट्रैवल इतना इजी लगा बिकॉज दिवाली का जो हॉलीडेज चल रहा है उस वजह से. तो अभी मैं यहाँ पर गुरु कृपा स्नैक्स कॉर्नर के पास हूँ. ये है शॉप जहाँ से मैंने वड़ा पाव लिया है और ये वड़ा पाव का प्राइस है 13 रुपीज, ओनली 13 रुपीज. तो चलिए देख कर टेस्ट करते हैं, खाते हैं, कैसा लगता है आप लोगों को बताती हूँ. इसके अंदर है पूरा प्रॉपर चटनी वगैरह, मैंने पूरा डलवा के लिया है. तो मैंने एक ही लिया, इसे पेट भर, मतलब एक वड़ा पाव अगर आप मुंबई का खाओ तो पेट भर जाता है. तो चलिए टेस्ट करते हैं. सबसे पहले मेरे मुंह में चटनी आई जिसका टेस्ट बहुत ज्यादा मस्त लगा मुझे, स्पाइसी भी और वड़ा पाव के अंदर की जो फीलिंग है वो भी बहुत टेस्टी लगी. बहुत अच्छा टेस्टी बनाया है. तो अगर आप भी गोरेगांव रेलवे स्टेशन आओ तो यहाँ जरूर विजिट कर लेना. मुझे टेस्ट अच्छा लगा तो आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगा. और क्या क्या यहाँ पे कॉमनली मिलता है, समोसा और ये पकोड़े, मतलब जिसको भजिए बोलते हैं, आलू के और प्याज के. और ये है ब्रेड पकोड़े जिसको हम सैंडविच भी बोल देते हैं. और ये वड़ा, दाल वड़ा, मेदू वड़ा. यहाँ पर है ये पूरियाँ, ये है मंचूरियन वाला शायद से, हाँ. और यहाँ पर है पूरा मेन्यू, मतलब यहाँ पे भी छोले भटूरे है. दिल्ली के छोले भटूरे तो मैंने खाए हैं लेकिन यहाँ के नहीं खाए हैं, तो ये भी हम कभी टेस्ट करेंगे. अगेन मैं आ गई हूँ बस स्टैंड पे, यहाँ से बस बनकर जा रही है. तो देखते हैं ये गोरेगांव रेलवे स्टेशन के पास जो बस स्टैंड है यहाँ से ये लिंक रोड की तरफ जाएगी क्या. जाती होगी गाइस वैसे तो, यहाँ पे पूछते हैं पहले, वरना यहाँ से वहाँ करते रह गए मुझे. वो रहा गोरेगांव का स्टेशन का बोर्ड. न्यू लिंक रोड लिखा है मैंने देखा, वहाँ पे एरो बना हुआ है बीच बीच में, तो मैं उतर गई. लेकिन यहाँ से 14 मिनट है तो वापस बस पकड़ रही हूँ. मैं अभी बस स्टॉप पे वापस आ गई हूँ जो कि गोरेगांव का ये मेट्रो स्टेशन है, गोरेगांव वेस्ट. और यहीं पे बस डेपो भी है सामने, तो वहां से फिर हम यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट की भी वॉकिंग नहीं है. क्या गाइस, मैं भी ना मतलब यही तो एक्सपीरियंस है, यही तो है महा मुंबई मेट्रो MMRDA. गाइस हमने अभी पता करा अपडेट ली, तो वहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है इसलिए हम यहाँ से अब रिटर्न हो रहे हैं. हम अभी सीधा घर जाएंगे, पानी पूरी का भी शूट करना था तो वो मैं अभी वहाँ पर ही देखूंगी, आसपास में जा उतरूंगी. तो बस आ गई है, ये जाएगी अंधेरी. चलो चलो मेरा स्किन. तो मैं इसमें से पापा जरा
जहाँ से गाइज मैं गई थी ना वहीं पर अभी मैं बस स्टॉप से उतर गई। पूरा ये बस डेपो है अंधेरी का एंड यहाँ पर मैं अभी पानी पूरी स्टॉल ढूंढू क्योंकि मेरी जो वीडियो पेंडिंग रह गई है मुझे वो वाली भी शूट करना है, तो मैं यहाँ का ही लोकेशन लेना चाहती हूँ। सो देखते हैं मिलती है क्या, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही है क्योंकि ये टाइम अभी ना मतलब 2:30 बजने वाला है, तो ये टाइम पे मेरे ख्याल से स्टॉल्स पानी पूरी के तो नहीं दिखेंगे, तो बस अभी घर की तरफ ही जाना है। लेकिन आप लोगों को बताती हूँ मैं, बनाकर दे रहे हैं पानी पूरी। ओके गाइस जस्ट लुक एट दिस पानी पूरी एंड ये जो मजा है ना मुंबई की पानी पूरी का, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। चलिए टेस्ट करते हैं। पानी बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि पानी कैसा है पानी पूरी का। अंकल पूरा साथ दे रहे हैं मेरा वीडियो में, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। फाइनली आ गए अंधेरी रेलवे स्टेशन, टिकट काउंटर, टिकट काउंटर। ओके गाइस यहाँ पे है मुंबई मेट्रो का भी रूट है और है बुकिंग ऑफिस। ओके सो हम जा रहे हैं मुंबई लोकल ट्रेन से, मेट्रो नहीं यूज करे। मेट्रो से भी आपको सफर दिखाएंगे यहाँ का। दिल्ली का मेट्रो मैंने आपसे हमेशा शेयर किया ही है, तो अभी यहाँ का तो नहीं बता रही, मैं जा रही हूँ लोकल ट्रेन से जैसे मैं हमेशा ट्रेवल करती हूँ। बाप रे गाइस लाइन तो बहुत ज्यादा है, एक आंटी बता रहे हो बराबर बता रहे हो बहुत ज्यादा लाइन है। ओके गाइस सो अभी मैंने ले ली है टिकट और अब मैं जाऊंगी घर की तरफ। लेकिन जाने से पहले आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था, तो वो मैं जरूर शेयर करूंगी। आप लोग पीछे देख रहे हैं कि पूरा अंधेरी रेलवे स्टेशन है ये एंड टिकट काउंटर से मैं यहाँ साइड में खड़ी हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मैं यहाँ पर एजेंसी में गई थी ये था कास्टिंग एजेंसी, इसका नाम मैं यहाँ रिवील नहीं करूंगी। शॉर्टकट में बताऊँ तो मेन उन लोगों का क्या मकसद था कि पोर्टफोलियो, जैसे कि इंडस्ट्री में जाने के पहले आप लोगों को पोर्टफोलियो लगता है, फोटोशूट्स होते हैं, तो फोटोशूट करा के ये लोग देंगे कह रहे थे 15,000 इन्होंने पोर्टफोलियो का बताया। पहले तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया ना एंटर होने के बाद एंट्री कराए, उन्होंने नाम पूछा और किसने आपको भेजा तो वो मैंने बताया, कॉन्टेक्ट नंबर बताया और फिर मैंने वो जो बोर्ड था बोर्ड के साथ मेरा फोटो लिया, उस पर मेरा जो भी था नेम, एज, हाइट, कॉन्टेक्ट नंबर, वर्क एक्सपीरियंस ये लिखा हुआ था, मार्कर से मैंने लिखा। और उसके बाद ही उन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो लिया जिसमें माय नेम इज आफरीन शेख और अपनी एज इंग्लिश में, अपनी हाइट, अपना साइड प्रोफाइल जो ऐसे होता है ऐसे साइड प्रोफाइल वो देना था, तो वो तो मैंने दे दिया। मैंने काफी देर तक फिर वेट किया, 10 मिनट कुछ एक्चुअली, और फिर मैं जब गई तो एक लेडीज से मेरी मीटिंग हुई, वो अंदर बैठे थे कैबिन में छोटे, तो उन्होंने जो बात करी वो आप लोगों ने तो देखा ही होगा बीच में, तो वो मुझे पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन मुझे यही समझ आया कि उनका जो मेन है वो ये है कि वो पोर्टफोलियो करवा के पैसे ले ले और उसके बाद हम ऑडिशन देते रहे, हमें काम मिले ना मिले वो हम देखेंगे। मतलब इस तरह का स्ट्रगल है, हम इसको दो वेज में ले सकते हैं, एक तो ये वे मैंने आपको बताया, सेकेंड वे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो या तो फिर देखो ये चीज़ है कि इंडस्ट्री में जाते हैं तो पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है, आपका जो फोटोशूट है ना मोबाइल से किया हुआ वो और पोर्टफोलियो में बहुत फर्क है, क्योंकि पोर्टफोलियो के फोटोज है ना वो होते हैं पूरे स्टूडियो के, पूरे ऐसे फोटो होते हैं कि मतलब उसमें उन्होंने 3 लुक बोल रहे थे प्रोवाइड करेंगे 15,000 के पोर्टफोलियो में। मैंने 2013 में करवाया था, तभी 6,500 लगे थे मुझे, मैं सबसे पहला मैंने वो करवा के इंडस्ट्री में एंटर किया था तो वहां पर मुझे 6,500 लगे थे। लेकिन आज 2024 में मेरे को यहाँ पर देखने मिला, एक्सपीरियंस करने मिला कि अब जो पोर्टफोलियो का प्राइस है वो हो चुका है पूरे 15,000, लेकिन मुझे 15,000 बोला, किसी और को उन्होंने 17,700 बोला, तो सबको अपनी तरफ से अलग अलग लोग मीटिंग करने बैठे थे और वो अलग अलग प्राइस भी बता रहे थे। तो इसमें 3 लुक उन्होंने बोला देंगे, वेस्टर्न आउटफिट में, ट्रेडिशनल में और कैजुअल में, तो ये 3 बोल रहे थे देख। लेकिन कपड़े आपको खरीद के लाने पड़ेंगे, आप मुझे व्हाट्सअप करना और जो है आप मुझे एडवांस पेमेंट अभी कर दो। तो मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा ऐसे करा कि नहीं नहीं मैं मतलब ना अरेंज करना पड़ेगा ना मैम, तो बोले आप क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते, ऐसे करा। तो मैंने बोला कि मैम पैसे ही तो अरेंज करने ना पूरे, तो मैं वो आपको कुछ दिनों में आपको बताओगे तो चलेगा। तो उन्होंने पता क्या बोला कि नहीं ठीक है आप मतलब कुछ दिन में बताओ, अभी रिक्वायरमेंट्स तो अभी है, वैसे तो 25-30 डेज में आते हैं फोटोज पोर्टफोलियो के होकर के। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे इतने दिन का तो इतने दिन में ही मैं दे दूंगी आपको, आप एडवांस पेमेंट कर दो, आप कार्ड पेमेंट से नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड से। तो मैंने मना किया, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं, तो मैंने इनसे बात करी। फिर मैंने वहाँ से जो एग्जिट ली उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन भी किया, बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात की, लेकिन किसी किसी से वो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करे। जैसे अगर कोई जेंट्स बैठा है दूसरी लेडीज के साथ तो वो वहाँ पे पंचायत भी करने लग गया और मतलब थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला बात करना, मतलब इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके पास जब बहुत ज़्यादा पैसे है, जैसे 1,00,000 रुपये आपके पास ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो आप इसके अंदर जाके जाना आना कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस 2013-14 में मैंने 2 साल कंटिन्यू ऑडिशन दिया था, लेकिन अब जो मेरा 2024 का मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। आज की तारीख में मेरे लिए मेरा यूट्यूब
बहुत सही है, और इसमें जाने से बेटर है मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूं। यहाँ तो मैंने बस एक एक्सप्लोर करने के हिसाब से मैं गई थी एक्सपीरियंस लेने, जो कि मैंने ले लिया। आप लोगों को भी बताया कि अगर आप लोगों को भी मॉडल कास्टिंग वगैरह ये एक्टिंग लाइन में आना है तो इस तरीके से इसके वेज होते हैं, सबसे पहले पोर्टफोलियो का, जहाँ पे आपको खर्च करने पड़ जाते हैं लेकिन बहुत घसना पड़ता है। सो ये सब था। 2013-14 में मैंने 2 साल ऑडिशन दिया था, 2015-16 में मैंने काम किए थे, छोटे छोटे रोल किए थे, लेकिन मैंने अपना जो है यूट्यूब का वही रिएक्शन चैनल चलाना शुरू कर दिया था। अब मैं व्लॉगिंग जो है अभी 1 महीना पहले ही शुरू किया मैंने एक्टिव होके, तो बस यही चल रहा है। और अभी जो एक्सपीरियंस था ये आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ देख करके जरूर बताना। मुंबई के आउटडोर ब्लॉग के ऊपर आप लोगों का वोटिंग सबसे ज्यादा था कम्युनिटी टैब में, तो अच्छा लगा देख करके। ऐसे ही आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पर होगी, क्या क्या मैं आप लोग को मुंबई का दिखाऊँ, आप लोग भी बताइए, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर अपनी तरफ से भी करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई होगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, तो मैंने ले लिए पानी की बॉटल, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है आज, तो बहुत ज्यादा ही प्यास लग रही है। पता नहीं बाहर मुंबई में जो गर्मी चल रही है ना अभी, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, और सारे स्टॉल्स वाले पता नहीं सब कैसे कैसे काम कर रहे हैं, इतना बहुत ज्यादा लोग, मतलब इतने वर्किंग है, इतने अनगिनत लोग है वर्किंग के, मतलब आपको मैं अभी क्या क्या ही दिखाऊं। चलिए पानी पीते, लोकल ट्रेन की तरफ मैं जा रही हूँ, प्लेटफॉर्म चेक करती हूँ कहाँ से जाना है, एंड देन आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके गाइज, मैं तो चली घर की तरफ, बाय बाय।